आज मैं कोई भी मोटिवेटेड लाइन नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ 2:30 के आसपास दोपहर में, ठीक है। और अभी 13 मिनट के बाद जो लॉन्चिंग है वो चंद्रयान 2 की है, मेरे सामने पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पे वही है, मैं वही देख रहा हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने सोचा कि 10 मिनट तक वीडियो कम से कम बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आराम से मैं लॉन्चिंग देखता हूँ। आप सभी लोग दुआ कीजिएगा कि जो चंद्रयान 2 है वो अपनी कक्षा में बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाए, क्योंकि पिछले 11 साल की हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बट्टा यानी कि डिस्काउंट का लेसन नंबर 2 लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ डेली बेसिस पे, आपको रात के 9 बजे, 9 से 10 के बीच मैथ की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जिन बच्चों की मैथ बहुत कमजोर है तो आप सभी लोग हमारे साथ आइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मैथ करवा रहे हैं जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं तो बोलता ही हूँ कि कमजोर बच्चों को ही पढ़ाना मेरा काम है, समझ रहे हैं। जो बच्चे ऐसे जो बिल्कुल अपना मनोबल डाउन कर चुके हैं कि मुझे मैथ आएगी ही नहीं, तो उन बच्चों के लिए ही मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पहले तो आप टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है आपका विक्रय मूल से अंकित मूल ज्ञात करना। क्या? विक्रय मूल से अंकित मूल ज्ञात करना, सॉरी, विक्रय मूल से अंकित मूल ज्ञात करना, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी वस्तु को एक अंकित किसी वस्तु को उसके अंकित मूल पर 14% बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उसका अंकित मूल बताओ। तो बच्चों कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसमें मार्क प्राइस दिया नहीं है, कल उसमें मार्क प्राइस दिया होता था, अब मार्क प्राइस दिया नहीं है, तो मार्क प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। बट्टा यानी कि डिस्काउंट आपका कितना है? 14%, ठीक है। बेच दिया यानी कि SP कितना है? SP है आपका 387, ठीक है। उसके बाद जो कह रहा है अंकित मूल यानी कि मार्क प्राइस हमको बताओ, तो बस मार्क प्राइस हम निकाल लेंगे। कल हमने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों आप लोगों के लिए, जल्दी से बता दीजिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था। फॉर्मूला बताया था आपका SP बराबर में MP इंटू में 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन में 100, 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन में 100, ये आपका फॉर्मूला था। SP हमारा दिया है 387, MP हमारा फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट हमारा 14 है, अपॉन में 100 पहली से है। उसके बाद 387 बराबर में x इंटू में ये कितना बचेगा? ये बचेगा 86, 86 ही बचेगा ना, बिल्कुल 86 बचेगा आपका, बटे में 100। अब 387 को काटने हैं, किसको? 387 को काटने हैं, तो जल्दी से आप लोग इसको काट दीजिए, और उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? देखो 387 को एक काम कर लो, 86 है और यहाँ पर 100 है, तो एक काम कर लो, पहले 4 से काटो, एक काम करो 2 से काटो, 2 से जाएगा आपका 4 बार, फिर जाएगा 3 बार, 2 से चला जाएगा ये 50 बार। 43 से ये देख लो कितने बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई किस में करवा दे? 9 में, 9 में करवा जा रहा, 9 9 3 27 के साथ हासिलाई 2 9 4 36 और 2 38, यानी कि पूरा पूरा 9 बार गया। अब 50 का मल्टीप्लाई 9 में करवा दो तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 9 5 45, यानी कि 450। बताओ, कैलकुलेशन अगर आप लोग खुद करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल पर 20% और 10% के दो क्रमिक छूट देता है, यानी कि बट्टे देता है, वस्तु को 100 और उस वस्तु पर उसे 108 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का अंकित मूल बताओ। देखो दुकानदार है, कोई वस्तु दी, उसने 108 रुपये लिए, जिस वस्तु, क्योंकि दुकानदार ने तो बेची है 108 रुपये में, तो दुकानदार के लिए वो क्या है? विक्रय मूल। तो 100 SP बराबर में कितना दे दिया दोस्तों? 108 दे दिया। x बराबर में आपको कितना दे दिया है? 20%, ठीक है। y बराबर में कितना दिया है? 10%। देखो कुछ बच्चे ऐसे जो नए बच्चे हों जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले वाली वीडियो देख लीजिए, इसका पार्ट फर्स्ट, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगर आप लाइन बाई लाइन देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, या प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको MP ज्ञात करना है, तो SP बराबर में क्या है? MP हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि x 100 माइनस के, ठीक है, 100 माइनस के पहला बट्टा यानी कि 20, 100 माइनस के दूसरा बट्टा, एक काम कर लो इसको x ना मानो, इसको मान लो a, क्योंकि x हम पहले मान चुके हैं इसलिए, ठीक है, उसको a मान लो, ठीक है, इसको a मान लो, नहीं तो आप कह जाओगे x यहाँ भी है, यहाँ भी है, और आपने
वो उसे रखा नहीं है, इसलिए उसे ए मान लो। ठीक है, इसे मान लिया हमने ए। ठीक है, और 100 माइनस के वाई यानी कि 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 100। ठीक है, तो एस पी हमारे पास दिया है 108 बराबर में, ये कितना हो जाएगा ए इंटू में, ये बचेगा 20 इंटू में 90 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अच्छा ये 20 नहीं ये 80 आएगा। ठीक है, क्योंकि 100 में से 20 गया तो 80, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दुनी 18, कितना हो गया 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 12 बार, कितने बार गया 12 बार गया। ठीक है, अच्छा 12 बार चला गया, यहाँ पर कितना था 80, ये दो क्रमिक बट्टे थे, 108 रुपये में था, तो उसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस हमको निकालना है, जो 108 हो गया बिल्कुल ठीक है, हैं 80 हो गया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 9 एकम 9 हो गया जी, 9 दूनी 18, 12 बार चला गया जी, 80 था, तो ए बराबर में कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 12 बटे में 8 आया, यहाँ पर 12 बटे में 8 आया, यानी कि यहाँ पर एक जीरो मिस है, यहाँ पर एक जीरो मिस है, ये आपका 1080 है ना कि 108 है, यानी कि 1080 है, तो ये हो जाएगा आपका 120, कितना हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, जरा ए से उससे काटो 8 से, 8 एकम 8 और 8 कितना बचेगा 8 पंच 40 और 0 का 0, क्योंकि ये यहाँ पर एक जीरो नहीं दो जीरो होंगे फिर मिस है ना, तो ये दो जीरो मिक्स होंगी यहाँ पर, यहाँ पर ये 1200 आएगा और ये काट देंगे तो कितने बार जाएगा जी 150 बार जाएगा, तो ए बराबर में हो जाएगा आपका 150। तो सवाल में मिस प्रिंट है, आप उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये कितना है, ये 10080 दिया होगा, ठीक है 10800, तब जाके आपका ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक होगा, समझ रहा है, तो इसको सही कर लीजिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है टाइपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन के, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% का बट्टा दिया जाता है, उसने व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपये में खरीदी, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि देखना एस पी बराबर में कितना दे दिया 39, उसके बाद एक्स बराबर में कितना दे दिया 2.5%, अब उसके बाद एम पी हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, बताओ निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे, डिक तो वैसे ही क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, समझ रहे, तो कोशिश करना है निकालने की, नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन खुद कोशिश करना निकालने की पहले। ठीक है, जब तक मैथ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगी, दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ लेना, चाहे जितना अच्छा पढ़ाता हो टीचर, जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा आपको, समझ रहे, हम लोग केवल आपको समझा ही सकते हैं, समझना आपका काम है। अब आपने मन में ये ठान ही लिया है कि मैथ हमको आएगी ही नहीं चाहे कुछ भी कर लें, तो दोस्तों हाथ जुड़ करके हमारी विनती है कि आप इस चैनल से हट जाएं, क्योंकि दोस्तों हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके अंदर मैथ सीखने का जज्बा है, अगर आपने ये सोच लिया कि हमें ये नहीं आएगा तो आप ये समझ लो कि आपने हार पहले से ही मान ली, तो सीखने से क्या फ़ायदा, जब आपके अंदर ही हार का जो कीड़ा है वो पनप रहा है तो उससे क्या मतलब कि हमें आपको सिखाऊं, तो इसलिए दोस्तों अगर आप सीख रहे हैं तो घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करें, अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीन मानो कुछ नहीं आएगा, समझ रहे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस ये हैं, जब मूल बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना, ठीक है मूल बढ़ाकर, तो एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक अंकित करता है, इन सवालों को करने के तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इन सवालों में क्या करना, जो बट्टा है उसे हमेशा माइनस में लेना और जो अधिक कीमत अंकित करे उसे हमेशा प्लस में लेना, कहने का मतलब ये है कि एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तो एक्स बराबर में होगी आपका 20%, यदि वह 30% बट्टा देता है तो वाई बराबर में होगी आपका माइनस के 30%। अच्छा माइनस में क्यों लिया, क्योंकि बट्टा है, हमेशा बट्टे को डिस्काउंट को माइनस में लेंगे इन सवालों में, लिख लो ये जो आपके सवाल है, मूल बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला आएगा वो होगा आपका लाभ या हानि प्रतिशत बराबर में, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, बस एक्स की जगह रख दो वैल्यू कितनी 20, वाई की जगह रख दो माइनस के 30, प्लस एक्स की जगह 20, वाई की जगह माइनस के 30 बटे में 100, कितना हो जाएगा 20 माइनस के 30 माइनस के कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तीन दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा माइनस के 10 और माइनस के 6, तो ये हो जाएगा माइनस के
16 माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा, माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि हानि हो रही, तो यहाँ पर 16% की क्या हो रही, हानि। और एग्जामिनर ने खुद बोला था कि हमको हानि प्रतिशत बताओ, तो हमने हानि प्रतिशत तो निकाला है। माइनस और केवल यही रिप्रेजेंट करेगा कि क्या हो रही, 16% की हानि हो रही, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल से 20% अधिक मूल अंकित करता है, तो मैंने आपसे बोला अधिक मूल अंकित करे तो x बराबर में हो जाएगा आपका 20%, और 8% का बट्टा देता है, डिस्काउंट देता है, और मैंने आपसे बोला कि डिस्काउंट को हमेशा माइनस में लेंगे तो y बराबर में हो जाएगा माइनस के 8%। अब वो कह रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो हमने लाभ या हानि उसका देखो लाभ प्रतिशत बताना है, तो साफ साफ लाभ प्रतिशत हम निकाल दे रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर में कितना हो जाएगा, वही x प्लस में y प्लस में x y अपॉन में 100, x प्लस में y प्लस में x y इंटू में 100, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका x की जगह कितना हो जाएगा 20, y की जगह माइनस के 8, प्लस में x की जगह 20, y की जगह माइनस के 8 इंटू में 100%, ठीक है। ये देखना कितना हो जाएगा, 20 माइनस के कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस के माइनस, और ये हो जाएगा 20 × 100 यानी कि 5, और ये चला जाएगा 8/5, कितना हो जाएगा 8/5, ये 8 है आपका, ठीक है। और ये बचेगा आपका 12, और माइनस के डिवाइड करो जरा, 5 × 5 और 3 बचा, 5 × 6 = 30, घटा दो जरा, 12 में से 1.6 गया तो कितना बचेगा, 10.4% बचेगा। अच्छा आंसर प्लस में आया, और प्लस में क्या होगा, हमें लाभ रिप्रेजेंट करेगा, और मैंने वैसे भी आपसे बोल दिया था और एग्जामिनर ने भी आपसे बोल दिया था कि हमको तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो आंसर वैसे ही प्लस में आ गया। हम यहाँ से भी समझ गए कि हमारा आंसर जो है वो लाभ आया यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आया। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, देख लीजिए ये लास्ट क्वेश्चन है, पर इसके बाद कल देखेंगे हम, ठीक है। एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल से 10% अधिक अंकित करता है, तो x बराबर में हो गया आपका 10%, y बराबर में कितना हो जाएगा, y बराबर में हो जाएगा आपका माइनस के 10%, क्योंकि ये बट्टा है। अब हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर में कितना हो जाएगा, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। तो बताओ इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे, जल्दी बताओ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा, तो इसका आंसर आप लोग खुद ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।